अच्छा बच्चों, अब टॉपिक हमारे पास क्या है? इन्होंने तो टॉपिक लिखा है 35 पे, अलजबरा ऑफ मैट्रिसेस। तो सबसे पहले उन्होंने क्या बोला है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन विद रियल एंड कॉम्प्लेक्स एंट्रीज। ठीक है, एडिशन का टॉपिक है, मल्टीप्लिकेशन का भी है, सब्ट्रैक्शन का। तो 3 4 ऑपरेशन देख लो आप, ये क्या होते हैं। देखो, जैसे रियल नंबर्स होते हैं ना, रियल नंबर्स के दरमियान आप कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, आप मल्टीप्लीकेशन कर रहे होते हो, एडिशन कर रहे होते हो, सब्ट्रैक्शन। सेम मैट्रिक्स के अंदर भी होता है। तो सबसे पहला ऑपरेशन जो हमने पढ़ना है ना, उसको आप कहते हो स्केलर मल्टीप्लीकेशन। या पहले मैं बाद में पढ़ाता हूँ, मल्टीप्लीकेशन के साथ ही देखेंगे। सबसे पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन देख लो, जो ईजी वाले हैं वो तो हम जरा देख लेते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन, सबसे पहली बात, जब आप दो मैट्रिक्स को, इसमें शर्त होती है, रैंडमली आप किसी भी दो मैट्रिक्स को ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, शर्त क्या होती है, जब आपने दो मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो मेन बात क्या है, उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स को ही आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ये तो बेसिक असूल आपको पता होना चाहिए। अब 3/2 मैट्रिक्स के अंदर आप 3/4 मैट्रिक्स ऐड नहीं कर सकते। दूसरी बात, जो ऐड करने का तरीका होगा, वो सिंपल ऐड या सब्ट्रैक्ट करने का सिंपल तरीका क्या होगा, जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है उनको आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे। ये मैं एग्जाम्पल देके आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे कंसिडर करो, एक मैट्रिक्स है 2 3 4 -1 2 0, इसको आपने ऐड करना है इस मैट्रिक्स के अंदर 1 2 8 2 -1 0 या 9 कर लेते हैं इसको। पहले आपने ऐड करना है, फिर आपने सब्ट्रैक्ट करना है। दोनों के एग्जाम्पल मैं साथ ही दे देता हूँ। तो अगर आप ऑब्जर्व करो, ऑर्डर सेम है, दोनों का ऑर्डर 2/3 है, तो ये वाली बात तो ठीक है। तो हम पहले ऐड करते हैं इसको। तो ऐड करने का तरीका क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करोगे, 2 और 1 को ऐड करोगे जो 3 हो जाएगा, 3 और 2 को ऐड करोगे 5 हो जाएगा, 4 और 8 को ऐड करोगे 12। इसी तरह -1 और 2 को ऐड करो 1, 2 और -1 को ऐड करो 1, 0 और 9 को ऐड करो 9। ये आपने क्या किया, एडिशन परफॉर्म किया आपने। सेम एलिमेंट्स को, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपने ऐड सब्ट्रैक्ट करना होता है। और इसी तरह अगर आप आओ सब्ट्रैक्शन किस तरह करोगे, 2 -1 ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 के, 3 -2 ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 के, 4 -8 ये बराबर हो जाएगा -4 के, 4 -8 -4 होता है। इसी तरह -1 -2 ये हो जाएगा -3, 2 -1 पॉजिटिव तो +1 हो जाएगा ना, 2 + 1 3 होता है। इसी तरह 0 -9 ये -9 हो जाएगा। तो ये मैंने क्या परफॉर्म किया, सब्ट्रैक्शन। इस तरीके से आप दो मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये ऑपरेशन है। दूसरा ऑपरेशन जो हमें डिस्कस करना है, उसका नाम क्या होता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ऐड सब्ट्रैक्ट तो आपने देख लिया, अब हम परफॉर्म करेंगे मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में भी दो किस्म की मल्टीप्लिकेशन होती है बच्चों। एक तो आप बोलते हो स्केलर मैट्रिक्स, सॉरी स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और दूसरी होती है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अब इसमें फर्क क्या होता है, स्केलर आप कहते हो किसी भी रियल नंबर को, आप किसी भी मैट्रिक्स को किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, या आप किसी भी मैट्रिक्स को किसी और मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो एक तो है कि आप किसी मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से ही मल्टीप्लाई कर रहे हो, जिसको आप मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कहते हो, या दूसरे है कि आप किसी मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, उसको आप कहोगे स्केलर मल्टीप्लीकेशन। तो इसको इस तरह समझ लो कि मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, आपको बोला जाए कि आप मालूम करो ये चीज, कि आपके पास एक 2/3 की मैट्रिक्स है, आपको उससे क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। अगर आपने ऑब्जर्व किया हो, तो मैंने ये चीज आप लोगों को कैलकुलेट करवाई थी, मैंने क्या बोला था, हर टर्म को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये स्केलर मल्टीप्लीकेशन तो थी, ये ए को मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, -1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना। तो मैट्रिक्स ए के मैंने हर एलिमेंट को -1 से मल्टीप्लाई किया था। सेम काम वही काम करो, अगर आपको 2 को मल्टीप्लाई करना है किसी मैट्रिक्स से, तो आप उस मैट्रिक्स के हर हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करोगे। तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो 2, इसको 2 से करो 4, इसको करो 6, ये हो जाएगा -8, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 12। तो हर हर एलिमेंट को आपको क्या करना पड़ेगा, उस नंबर से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। इसको आप कहते हो स्केलर मल्टीप्लीकेशन। तीसरा है मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, ये मुश्किल है, टफ है समझने के लिए। जिन दो मैट्रिक्स को आप जब दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हो, आप उसको आप कहते हो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। अब अगेन, जैसे आपने एडिशन की शर्त देखी थी ना, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मल्टीप्लीकेशन की कोई शर्त नहीं होती, आप बस मल्टीप्लाई कर दो, किसी
किसी भी नंबर को आप किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो, कोई शर्त नहीं है इसके अंदर। लेकिन जैसे इसमें शर्त ही सेम ऑर्डर, इसमें भी अब शर्त होती है। और मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन की शर्त क्या होती है कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। कंसिडर कर लो दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, मैंने उनको मल्टीप्लाई करना है, मतलब ए बी मैंने मालूम करना है। ए बी का मतलब मैट्रिक्स ए को मैंने बी से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर मैं ए और बी को मल्टीप्लाई करने के काबिल कब होगा, मैं ए बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के काबिल उस वक्त होगा जब जो मैट्रिक्स ए है ना उसके नंबर ऑफ कॉलम बराबर होंगे नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी। इसको सिंपल लैंग्वेज में इस तरह समझ लेते हैं कि कंसिडर कर लो कि दो मैट्रिक्स है, ऑर्डर ऑफ ए क्या है कंसिडर कर लो 3/4 मैट्रिक्स है, और ऑर्डर ऑफ बी क्या है फॉर एग्जाम्पल 4/2 कर लेते हैं इसको। अब अगर आपसे बोला जाए कि यार क्या आप ए बी मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म, अच्छा पहले एक बात नोट कर लो, मैट्रिक्स जो है वो कमोटेटिव नहीं होती, ये मैं थोड़ी देर बाद ही बताऊंगा। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कमोटेटिव नहीं है, आप ए बी मालूम करो या बी ए मालूम करो दोनों अलग बात मानी जाएगी, ए बी और बी ए दोनों अलग बात है, ठीक है। तो अब बिलफर्ज अगर आपको कोई बोले कि ए बी मालूम करो, तो आपने क्या करना है, आपने ए का ऑर्डर लिखना है, ए का ऑर्डर है 3/4, फिर आपने क्या करना है, आपने बी का ऑर्डर लिखना है, बी का ऑर्डर क्या है 4/2। अगर इनके ये वाले नंबर जो है अगर ये सेम हो, ये मैंने वही ऊपर बात लिखी है लेकिन आपको आसान लैंग्वेज में बता रहा हूं, अगर ये जो इन दोनों के अंदर वाले नंबर है अगर ये आपस में इक्वल होंगे तो आप मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म कर सकते हो। इसको हमने एक अच्छी लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए, ये जो 4 है ये क्या है कॉलम्स है मैट्रिक्स ए के, तो नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए बराबर होना चाहिए नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी। अगर ये दो नंबर आपस में बराबर है तो आप मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म कर सकते हो, ये पहली शर्त है, बल्कि यही शर्त है इसके अंदर कि ये शर्त अगर पूरी हो जाएगी आप आसानी से मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म कर सकते हो। तो अब मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, बताता हूँ कि मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करना किस तरह है, ये तो कंडीशन थी ना, अब जरा देखते हैं करना किस तरह है। मैं यही एग्जाम्पल लेता हूँ, मैट्रिक्स ए को बनाता हूँ 3/4 की, ये मैट्रिक्स अगर आप देखो 3/4 की है, 3 रॉ है 4 कॉलम्स है, अच्छा जी। अब बनाते हैं मैट्रिक्स बी, या एक काम करते हैं क्योंकि मैं फिर दोबारा इनको मल्टीप्लाई करूंगा अलग अलग लिखना पड़ेगा मुझे, तो ये मैट्रिक्स ए है कंसीडर कर लो और इसके साथ ही मैट्रिक्स बी लिखते हैं। मैट्रिक्स बी के अंदर 4 रॉज हैं और 2 कॉलम है, तो 4 रॉज कौन सी फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अगर आप देखो इसके अंदर 4 रॉज है लेकिन कॉलम सिर्फ क्या है 2 है, तो कंसिडर कर लो मैट्रिक्स ए है और ये वाली मैट्रिक्स बी है। तो पहली बात आपने चेक करना है क्या मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, अब आप मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करोगे। और जरा गौर से समझना मैं आप लोगों को क्या बताने लगा हूँ, इंपॉर्टेंट है तरीका है, मेरी वर्डिंग पे अगर गौर करोगे तो आसानी से आप मल्टीप्लीकेशन समझ लोगे, क्योंकि थोड़ा मुश्किल लगता है बच्चों को जब मैट्रिक्स थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी आ जाए। अगर दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो मल्टीप्लाई करना आसान होता है, लेकिन जब टेढ़ी मेढ़ी मैट्रिक्स हो तो मल्टीप्लीकेशन मुश्किल हो जाती है। आपने क्या करना होगा, ये जो मैट्रिक्स है ना इसकी रॉ को आपने मल्टीप्लाई करना है इसके कॉलम से। क्या मैंने बात बोली, जो मैट्रिक्स आप लोगों के सामने लिखी हुई है इसकी पहली रॉ को आपने मल्टीप्लाई करना होगा पहले कॉलम से। क्या मतलब, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करोगे, जैसे इस रॉ का पहला एलिमेंट इस कॉलम के पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, इस रॉ का दूसरा एलिमेंट इस कॉलम के दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, इस रॉ का तीसरा एलिमेंट इस कॉलम के तीसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। इस तरीके से आप इस रॉ को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने के बाद आपस में आप ऐड करोगे। जरा देख लेते हैं, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो 1 आएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो 6 आएगा, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करो 15 होगा, 4 को 7 से मल्टीप्लाई करो 28। मल्टीप्लाई कर लिया, अब आपस में ऐड कर दिया, ठीक है। जब आपने पहली रॉ को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया और रिजल्ट को आपस में ऐड कर दिया, अब आप क्या करोगे, थोड़ी सी जगह छोड़ोगे, क्या करोगे, थोड़ी सी जगह छोड़ोगे और फिर यही प्रोसेस रिपीट करोगे, इसकी पहली रॉ को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे। हम क्या करते हैं, थोड़ी जगह छोड़ते हैं, अब इसकी पहली रॉ को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करो और फिर ऐड करो, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो 2, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करो 8, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करो 18, 4
को 8 से मल्टीप्लाई करो 32। अब कोई और कॉलम बचा है? नहीं, कॉलम तो दो ही थे। इसका मतलब कॉलम जब यहां पे खत्म हो जाए अब आप सेकंड रॉ पे आ जाओ और फिर यही प्रोसेस आपने दोबारा करना है। दोबारा आपने क्या करना है, इस रॉ को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, इस रॉ को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। जरा देखते हैं, माइनस वन को वन से करो माइनस वन, जीरो को थ्री से करो जीरो, टू को फाइव से करो टेन, और जीरो को सेवन से करो जीरो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस सेकंड रॉ को इस फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई मैंने कर दिया, ठीक है। अब अगेन मैं जगह छोड़ूंगा, क्योंकि जब आप कॉलम तब्दील करते हो ना तो आपको जगह छोड़नी पड़ती है। अब आप क्या करो, अगेन इस रॉ को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करो। तो माइनस वन को टू से करो माइनस टू, जीरो को फोर से करो जीरो, टू को सिक्स से करो ट्वेल्व, और जीरो को एट से करो जीरो। अब कॉलम खत्म हो गए, अब आप थर्ड रॉ पे आ जाते हैं और थर्ड रॉ की वर्किंग आप लोगों से मुझे को बताएगा। तो जो भी वॉलेंटियर है वो इस थर्ड रॉ को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करके मुझे रिजल्ट बताओ क्या आ रहा है। वन ये थर्ड रॉ सही है, वन सही। फिफ्टीन थर्टी ठीक माइनस फोर्टीन है, एक्सेलेंट। माइनस है तो मैं दरम्यान में आ रहा हूँ। अब थोड़ी जगह छोड़ना, क्यों कॉलम कंप्लीट। आपको दूसरा मुझे बताओ क्या होगा। ठीक टू ट्वेंटी है, प्लस 20 ठीक है, तो प्लस 36 ये समझ गया, माइनस 16। माइनस 16। एक्सेलेंट भाई, मल्टीप्लीकेशन सीख गए आप लोग। अब इसके बाद आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन परफॉर्म करनी है। सिंप्लीफिकेशन करना कोई बड़ी बात नहीं होती, उनको जल्दी से हम ऐड कर लेते हैं ताकि मसला हमारा सॉल्व हो जाए। सेवन हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा और ये 50 हो जाएगा। माइनस वन और टेन, ये 9 हो जाएगा। वन 16, 46, 46 में अगर आप 4 निकालोगे 32। अच्छा जी, ये 10 हो जाएगा 18, 18 के बाद अगर वो 50। अच्छा जी, माइनस टू और 12, ये 10 हो जाएगा और ये 22, 22 और 20 हो जाएगा 42। ये आपके पास मैट्रिक्स आ गई। अगर आप गौर करो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, इसमें तीन रॉ हैं और दो कॉलम। अगर आपको मैं ये बोलूं कि मल्टीप्लीकेशन पहले करने, मतलब मल्टीप्लीकेशन करने से पहले ही, मतलब इस स्टेप में मुझे पता चल गया था कि जो रिजल्ट में मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा, तो आप बता सकते हो मुझे कैसे पता चला था। मैं मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म किए बगैर ही मुझे पता चल गया था कि जो रिजल्ट में मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर 3/2 होगा। कैसे पता चला मुझे? वही ऊपर है, ये जो इनर नंबर है ये आपको बताते हैं क्या मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। अगर ये आपस में इक्वल है तो इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, अगर इक्वल नहीं है इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन कर ही नहीं सकते। और ये जो आउटर नंबर है ना ये आपको ऑर्डर बताते हैं। जैसे आउटर नंबर क्या था, 3 और 2, तो अगर आप ऑर्डर में देखो 3/2 है। इसी तरह मैं आप लोगों को बोलता हूँ, जरा जरा बताओ, अगर एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2/3 और दूसरी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर है 4/4, अब मुझे बताओ कि जो रिजल्ट में मैट्रिक्स आएगी मल्टीप्लाई करने के बाद उसका ऑर्डर क्या होगा। 4/2, 2/4, 2/4 होगा। और जो मैं करना चाह रहा था वो मैंने कर दिया। मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है क्या इसके अंदर? मल्टीप्लीकेशन तो पॉसिबल ही नहीं है भाई, तुम तो मल्टीप्लाई करके बैठ गया। अंदर वाले नंबर बराबर है क्या? स्टूडेंट बहुत मासूम होता है, उसको जो पढ़ाया जाए ना तो वही चीज अप्लाई करने लगता है, वो थिंक आउट ऑफ बॉक्स नहीं कर रहा होता। अगर आप देखो तो ये मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल ही नहीं है, जब मल्टीप्लाई करने जाओगे कर ही नहीं पाओगे। होगा पता क्या, अगर आप देखो तो पहले में 3 कॉलम्स है, तो मतलब जो पहली मैट्रिक्स होगी उसके अंदर 3 कॉलम्स है, तो जब आप पहली रॉ पिक करोगे ना उसके अंदर 3 एलिमेंट्स होंगे। और जब आप उसको मल्टीप्लाई करोगे दूसरी मैट्रिक्स की 4/4, मतलब कितने आपको नजर आ रही है, 4 रॉज है उसके अंदर, इस टाइप की 4 रॉज होंगी। तो जब आप इस पहले कॉलम को, इस पहली रॉ को इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो इस रॉ के अंदर 3 एलिमेंट होंगे और इस कॉलम के अंदर 4 एलिमेंट होंगे, तो 3 एलिमेंट को 4 से कैसे मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल ही नहीं होगी वहां। तो सबसे पहले तो आपने देखना है कि मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है या नहीं है। हाँ, अगर मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है अब आप ये कह सकते हो कि भाई हाँ, जो मल्टीप्लाई करने के बाद मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर होगा 2/4। सही है बच्चों? अब मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मल्टीप्लीकेशन सबको समझ आ गई, कोई सवाल है तो पूछ लो।
मैं एग्जांपल देने लगा हूँ, जरा मुझे इसको बताओ क्या आंसर आएगा। 99% स्टूडेंट फेल हो जाते हैं इसका जवाब देने के लिए, लेकिन आप लोग इसको सॉल्व करो कॉपी पे या जिस तरह भी सॉल्व करना। मैं आप लोगों से पूछूंगा कि इसका आंसर क्या आ रहा है, तो आंसर आपने किस तरीके से बताना है। तीनों स्टूडेंट अपने पे सॉल्व करो, आंसर आपने क्या बताना है। सबसे पहले मुझे आप लोग बताओगे इसका ऑर्डर क्या है, फिर आप मुझे बताओगे जो भी ऑर्डर की मैट्रिक्स आई है उसके एलिमेंट्स क्या क्या है। तो जल्दी से जरा सॉल्व करो इसको, और अगर कोई सॉल्व कर ले तो मुझे बता दो कि भाई मैंने सॉल्व कर लिया। सर हो गया बताओ। 248 सही है, बढ़िया। 312 नहीं 936 जी, देखते हैं। मैं देखो कॉन्सेप्ट आपने यहाँ पे क्या लगाना है, कॉन्सेप्ट ये लगाना है कि आपने रॉ को कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है, ये करना होता है ना। तो अगर आप देखो रॉ क्या है 3 और कॉलम क्या है 4, यहाँ पे ये तो काम कर रहे हैं। टेल हाँ डर जाएगा वैसे। क्या कहते हैं, यहाँ पे आप क्या कर रहे थे, आप इस रॉ को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब इस रॉ के अंदर 4 एलिमेंट थे, इस कॉलम के अंदर 4 एलिमेंट थे, आपस में मल्टीप्लाई कर रहे। वही काम यहाँ पे करो, बस ये कि इस रॉ में एक एलिमेंट है, इस कॉलम में भी एक एलिमेंट है, तो कोई मसला नहीं, मल्टीप्लाई कर दो। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो 12। आप कोई और एलिमेंट बचा इस कॉलम में नहीं है ऑब्वियसली, तो आपको सेकंड कॉलम पे जाना पड़ेगा। जैसे ही आप सेकंड कॉलम पे जाओगे तो आप थोड़ी जगह छोड़ोगे। मैं तभी ये बड़ा आसान तरीके से बताया था, जब भी सेकंड कॉलम पे जाते हैं जगह छोड़ते हैं आप, क्योंकि आमतौर पर बच्चों को जगह छोड़ने का कॉन्सेप्ट नहीं आता, वो तो सबको आपस में ऐड ही कर रहे होते हैं। नहीं, जगह कब छोड़ते हैं आप, जब कॉलम आप चेंज कर रहे होते हैं। तो जब आप सेकंड कॉलम पे जाओगे, आपने थोड़ी जगह छोड़ी, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 आया, आपने सारी मुझे लगता है गलत बताया। अच्छा, आपने थोड़ी जगह छोड़ी, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 आ गया। अब ये कॉलम खत्म हो गया ना, अगेन आपको थोड़ी जगह छोड़नी है, और फिर क्या करोगे, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 9 आ जाएगा। अब आप देखो सारे कॉलम खत्म हो गए ना, तो जब सारे कॉलम खत्म हो जाए तो अब आप नेक्स्ट रॉ पे आओगे। लेकिन मानो अगर आप मेरी इन वर्डिंग पे जरा ध्यान दो ना, कि जगह कब छोड़नी है, नेक्स्ट रॉ पे कब आना है, किसको किससे मल्टीप्लाई करना है, आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में इश्यू नहीं होगा, चाहे अजीब अजीब सी भी आ जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट रॉ पे आओ, इस रॉ को आप मल्टीप्लाई करो पहले कॉलम से, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 आ जाएगा। फिर कॉलम खत्म हो गया, जगह छोड़ी, 1 को, यार आपने क्या किया सर, तकरीबन सारी गलत बताया। ये वाला सही बताया आपने, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो 1, फिर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करते करो। क्या हैं वो दोबारा बताओ। हाँ ट्रांसपोज करते ना, जैसे वो हो गया पता नहीं क्या हो सकता, लेकिन आपने ये आंसर कैसे बताया, सारे आंसर गलत है, मतलब क्या टेक्निक क्या लगी आपकी। आपने आंसर बताए हैं, बाकी ने तो आंसर बताए ही नहीं है, तो कोई ना कोई तो टेक्निक लगाई होगी ना। चलो खैर छोड़ो, जो भी लग गया आप लास्ट बता दो। एट टू आप क्या सिक्स बता रहे, सही। हाँ 8 to 6 ही होगा, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करो यहाँ पे 8 आ जाएगा, इधर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब ये मुश्किल एग्जाम्पल थी, वाकई मुश्किल थी, लेकिन ये बताने का मकसद क्या था, ये जो मैंने बात बोली है इस पर आप थोड़ा ध्यान दो, ताकि इन एग्जाम्पल्स में आप लोग फंसवा नहीं। सही है। अच्छा जी, प्रॉपर्टीज में क्या, सबसे पहले उन्होंने बोला हुआ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसका प्रूफ बच्चों बुक में लिखा हुआ है, आप लोग वहां से देख लेना, मैं सिर्फ आप लोगों को बता रहा हूँ एमसीक्यूज के लिए, आप लोगों को याद हो। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव, आप कौन कौन सा ऑपरेशन जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। अच्छा देखो, जो असल में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है ना वो डिपेंड कर रही होती है ऑपरेशन के ऊपर, जैसे रियल नंबर जो है वो कम्यूटेटिव है विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, कम्यूटेटिव है विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। अगर आप सब्ट्रैक्शन या डिवीजन कंसीडर करोगे तो फिर तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं सेटिस्फाई होगी ना। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे आओ, तो विद रेस्पेक्ट टू पॉजिटिव तो कम्यूटेटिव है मैट्रिसेस, लेकिन विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन नहीं है, विद रेस्पेक्ट टू पॉजिटिव है। अगर आप किसी भी दो मैट्रिक्स को ऐड करो, आप ए प्लस बी करो या बी प्लस ए करो, ये आपस में बराबर होता है, ये कम्यूटेटिव है। लेकिन अगर आप किसी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो तो ऑर्डर मैटर करता है, अगर आपने ए बी किया है तो ए बी बी ए के बराबर नहीं होगा। मैं यहाँ पे एक वर्ड लिख देता हूँ, जनरली। जनरली मैं क्यों बोल रहा हूँ, कोई स्पेसिफिक ऐसी कंडीशन हो सकती है जिसमें दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट का ऑर्डर मैटर ना करता हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर उनमें से कोई एक मैट्रिक्स आइडेंटिटी हो, फॉर एग्जाम्पल कंसिडर कर लो एक मैट्रिक्स ए है
और उसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, 1 2 3 4, तो अब ये कमोटेटिव बन जाएगी। आप पहले आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखो और फिर आप ये वाली मैट्रिक्स लिखो, या पहले ये वाली लिखो फिर ये लिखो, बात एक ही है। तो कुछ ऐसी कंडीशन है जिसमें मल्टीप्लीकेशन जो है वो कमोटेटिव हो जाएगी, लेकिन जनरली अगर आप देखो ना तो ऐसा होता नहीं। इसी तरीके से अभी आप इनवर्स का एक टॉपिक पढ़ोगे, अगर इनमें से कोई एक मैट्रिक्स इनवर्स हो तो तब भी ये फिर सेटिस्फाई कर रहे होंगे। कंसिडर कर लो बी मैट्रिक्स जो है वो इनवर्स हो इस ए मैट्रिक्स का, तो अगर आप ए को बी से करो या बी को ए से करो तब भी वो बराबर हो रहे होंगे आपस में। तो कुछ स्पेसिफिक कंडीशन है जिसमें बराबर हो जाएंगे, लेकिन रैंडमली ये हर सिचुएशन में जनरली बराबर नहीं होते। दैट्स व्हाई आप ये बोलते हो मैट्रिक्स जो है वो कमोटेटिव है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, लेकिन कमोटेटिव नहीं है विद रिस्पेक्ट टू, मतलब विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कमोटेटिव है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन कमोटेटिव नहीं है। और बुक वालों ने ये एग्जाम्पल देखिए प्रूफ करवाया है, अगर आप पेज नंबर 37 देखो तो वहां भी क्लियर हो जाएगा। फिर कुछ प्रॉपर्टीज इन्होंने लिखी हुई है, अच्छा इसी तरीके से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इन्होंने मेंशन की भी नहीं है, लेकिन एसोसिएटिव अच्छा इन्होंने अलग से मेंशन की भी है। तो हम एक काम करते हैं, पहले हम एडिशन की बात करते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम एडिशन की बात करते हैं, तो एडिशन तो कमोटेटिव होता है। दूसरी प्रॉपर्टी अगर आप देखो एडिशन में क्या होती है, एसोसिएटिव वाली, एसोसिएटिव मैंने कहा था कि ब्रैकेट आपने चेंज करनी होती है। ब्रैकेट का मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे पहले आप ऐड कर रहे हो बी और सी को, जो रिजल्ट आ रहा है उसको ऐड कर रहे हो ए के अंदर। ये बराबर है कि पहले आप ए और बी को ऐड कर लो, जो रिजल्ट है उसको सी में ऐड कर लेना। इसको हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो मैट्रिक्स जो है वो एसोसिएटिव भी होता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अच्छा जी, इसी तरीके से एक और प्रॉपर्टी भी उन्होंने लिखी हुई है कि ए प्लस बी इज ऑल्सो अ मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। अगर आप ऑब्जर्व करो ना, इसको हम क्लोजर प्रॉपर्टी भी कहते हैं। ये क्लोजर प्रॉपर्टी भी एक होती है, रियल नंबर के अंदर भी होती है, सबके अंदर। क्लोजर का मतलब क्या होता है? क्लोजर प्रॉपर्टी का अगर आप जनरली मतलब देखो ना, तो वो ये होता है कि अगर आप किसी, जैसे नंबर्स के अंदर होता है, आप किसी दो रियल नंबर्स को आपस में ऐड करते हो तो रिजल्ट में रियल ही आता है ना, कॉम्प्लेक्स हो जाता है, रियल ही आता है। तो हम बोलते हैं कि रियल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं, कि जब आप ऐड कर रहे हो दो नंबर्स को, रिजल्ट भी रियल नंबर के अंदर से आ रहा है। सेम मैट्रिक्स के अंदर भी होता है, अगर आप किसी दो मैट्रिक्स को ऐड करोगे तो रिजल्ट में मैट्रिक्स ही आएगी ना, तो आप ये बात बोल सकते हो कि मैट्रिक्स जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रही है। और क्लोजर को इस सेंस में भी आप यूज कर सकते हो कि जो इनका ऑर्डर है ना सेम उसी का ऑर्डर होगा। बिल्कुल, अगर ए और बी का ऑर्डर कंसिडर कर लो 2/3 है, तो जब आप इनको ऐड करोगे ना तो रिजल्ट में भी जो मैट्रिक्स आएगी वो भी 2/3 की होगी। तो इस सेंस में भी आप इसको क्लोजर कह सकते हो, ठीक है। तो पार्ट फोर में क्या है? पार्ट फोर में है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, जो मैंने आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर भी बताई थी। किसी को याद है आइडेंटिटी में होता क्या था? सर अगर हम किसी नंबर में ऐसा नंबर ऐड करें वो जीरो आ गया है, और एक नंबर को दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वन आ गया। तुम इनवर्स का बता रहे हो। आइडेंटिटी मैंने बताया था कि अगर, हाँ बोलो कुछ कहना चाह रहे हो। अगर आप किसी मैट्रिक्स को, आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि जो किसी को फर्क पैदा ना करे, जैसे जीरो था, जीरो को आप किसी भी नंबर में ऐड करो, अच्छा जीरो को आप किसी भी नंबर में जब ऐड करते हो तो उस नंबर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। जीरो को मैं 2 में ऐड कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो को मैं 3 में ऐड कर दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दैट्स व्हाई आप जीरो को कहते हो आइडेंटिटी। इसी तरीके से 1 जो है वो भी आइडेंटिटी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। 1 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी एडिशन की बात करते हैं। तो इसी तरह मैट्रिक्स के अंदर भी आपको जरा थोड़ा सोचो, ऐसी मैट्रिक्स ढूंढो कि जब मैं उसको किसी मैट्रिक्स में ऐड करूं तो उस मैट्रिक्स को फर्क ना पड़े। ऐसी कौन सी मैट्रिक्स होगी? नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स में ये देखो सिंपल, रियल नंबर में आप लिखते थे जीरो, कॉम्प्लेक्स नंबर में आप लिखते थे जीरो प्लस जीरो आया होता। मैट्रिक्स के अंदर लिख लो नल मैट्रिक्स, कॉन्सेप्ट सबका ही सेम है सब जीरो, लिखने का तरीका अलग है, ठीक है। तो जो मैट्रिक्स में आइडेंटिटी होती है वो ये नल मैट्रिक्स होती है। नल मैट्रिक्स को आप किसी भी मैट्रिक्स में ऐड करो उसको फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव आइडेंटिटी क्या है? नल मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा जी, पांचवी प्रॉपर्टी जो है वो इनवर्स की प्रॉपर्टी। इनवर्स की प्रॉपर्टी देखी थी आपने कि इनवर्स ऐसा होता है कि अगर आप किसी मैट्रिक्स का आप इनवर्स निकालोगे
और उसको आपस में ऐड करोगे तो रिजल्ट में आपको क्या मिलेगी, आइडेंटिटी। जैसे टू होता था, टू का इनवर्स क्या होता था, -2। जब इनको ऐड करोगे तो रिजल्ट में क्या मिलेगा, 0। तो इनवर्स निकालने का तरीका क्या होता था, आप जस्ट माइनस से मल्टीप्लाई कर दो नंबर को। सेम मैट्रिसेस के अंदर भी वही काम करना है आपने। फिर अगर आपने ऑब्जर्व किया कि ए और बी दो मैट्रिक्स को मैंने ऐड किया, रिजल्ट में नल मैट्रिक्स आ गई है, इसका मतलब ये जो बी है ना, ये इनवर्स है ए का, इनवर्स ऑफ ए। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, एडिटिव इनवर्स। अगर आप ऑब्जर्व करो किसी दो मैट्रिक्स का रिजल्ट नल मैट्रिक्स के बराबर आ रहा है, तो आप ये कह सकते हो कि दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे की इनवर्स हैं। इस तरह भी तो बोल सकते हो ना कि -2 का इनवर्स 2 है, या ये भी बोल सकते हो 2 का इनवर्स -2, दोनों तरफ से बोल सकते हो। अगर रिजल्ट में आइडेंटिटी आपको मिल रही है, इसका मतलब आप बोलोगे बी जो है वो एडिटिव इनवर्स है ए का, और बी का फॉर्मूला क्या होगा, बी का फॉर्मूला होगा -A। मतलब बी मैट्रिक्स कैसे आएगी, जस्ट ए मैट्रिक्स को नेगेटिव से हम मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मैं आपको एक मैट्रिक्स देता हूँ 2 3 1 4, ये मैट्रिक्स है। मुझे बताओ मैं इसको ऐसी किस मैट्रिक्स में ऐड करूं कि रिजल्ट में मेरे पास आइडेंटिटी आ जाए, मतलब नल मैट्रिक्स आ जाए। -2 -3 -1 -2। बस क्या किया आपने, इस मैट्रिक्स को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये जो बी मैट्रिक्स थी ना, ये कैसे आएगी, बस ए को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, इनवर्स का। तो हमने एडिशन की तो सारी प्रॉपर्टीज देखी। अच्छा अब आ जाओ प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लीकेशन। ये इतनी इंपॉर्टेंट है तो नहीं वैसे, लेकिन चलो जल्दी जल्दी मैं बता देता हूँ आप लोगों को। स्केलर मल्टीप्लीकेशन पहली प्रॉपर्टी क्या लिखी हुई, अगेन वही बात कि अगर आप किसी स्केलर को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो जो ऑर्डर है वो सेम ही होगा, बिलोंग टू सेम ऑर्डर। देख लेते हैं पार्ट नंबर 2 में उन्होंने लिखा हुआ है के K1 K2 को मल्टीप्लाई करें A से, ये बराबर है कि आप K2 को पहले A से मल्टीप्लाई करो। उसका तीसरा भी होना चाहिए था वैसे, तीसरा लिखा हुआ नहीं है। देखो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई दो नंबर है आपके पास, ये सिचुएशन लिखी हो 2 × 3 × A, तो आपके पास दो तरीके या तीन तरीके आप कह सकते हो कि पहले आप 2 और 3 को मल्टीप्लाई करो आपस में, जो रिजल्ट आए उसको मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो। 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट आएगा 6, 6 को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो। या दूसरा तरीका क्या है कि आप पहले क्या करो, आप पहले 3 को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो, जो रिजल्ट आए उससे आप 2 को मल्टीप्लाई कर दो, सेम ही आएगा आंसर। पहले ये काम कर लो और फिर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, या पहले आप ये काम करो फिर 2 को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, या पहले आप ये काम करो कि मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करो और फिर 3 से मल्टीप्लाई करो, इन सबका आंसर सेम ही होगा। ये वो ऊपर बात लिखी है, K1 K2 को आपस में मल्टीप्लाई करो फिर ऐसे करो, या K2 को ऐसे कर दो और उसके बाद K1 से करो, या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो कि पहले K1 और A को मल्टीप्लाई कर दो और फिर K2 से करो, सब में आंसर सेम ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अच्छा जी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी इन्होंने मेंशन की हुई है। जैसे ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिविटी है, आप इसको इधर भी लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा। या मैट्रिक्स के अंदर ऑब्वियसली देखो इसकी सेंस नहीं बनेगी ना, मैं 2A लिखूं या A2 लिखूं, सेंस नहीं बनती। A2 का क्या मतलब है, आप मैट्रिक्स से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हो ना, तो लेफ्ट की सेंस बनेगी। तो अगर K1 K2 को आप किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, ये बराबर है कि आप K1 को पहले A से करो, K2 को A से करो और आपस में ऐड करो, मतलब तो पहले दोनों नंबर को ऐड करो और फिर A से मल्टीप्लाई करो। ये बात बराबर है कि पहले आप ए को K1 से करो, ए को K2 से करो और फिर इनको आपस में ऐड करो। ये सब प्रॉपर्टीज आप प्रूफ कर सकते हो आसानी से। कोई भी रैंडम A 2 by 2 की मैट्रिक्स लो, K1 K2 को दो रियल नंबर लो और आप देखोगे प्रॉपर्टीज प्रूव हो रही होंगी। अच्छा जी, और इसको इस तरह भी लिख सकते हो, यहाँ एक मैट्रिक्स है दो स्केलर है ना, तो आप इस तरह भी कर सकते हो। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कह दो इसको, कि K1 को A से मल्टीप्लाई करो, या सिंपल K कह दो इसको, प्लस KB। अब इसका क्या मतलब है, इसमें आप क्या कर रहे थे, पहले ए और बी को, ये और नहीं आएगा मतलब, ये दूसरी प्रॉपर्टी क्या लो, इसमें आप दो मैट्रिक्स है एक स्केलर है, तो अब आप क्या कर रहे हो, आप ए और बी को पहले ऐड कर रहे हो और फिर के से मल्टीप्लाई कर रहे हो। ये बात बराबर है कि आप पहले ए को कैसे कर दो, इसी तरह बी को कैसे करो और फिर उनको आपस में ऐड करो, सेम बात मानी जाएगी। अच्छा जी, ये तो खैर बताने वाले नहीं है। 1 को आप ए से, किसी भी मैट्रिक्स को 1 से मल्टीप्लाई करो, उस मैट्रिक्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और -1 से करोगे तो वो नेगेटिव हो जाएगी। ये मैं खाली बताना चाह रहे हैं कि
इसी तरह नीचे लिखा हुआ है कि जीरो को ए से मल्टीप्लाई करो तो नल मैट्रिक्स आ जाएगी, और ए वन को जीरो से करो नल मैट्रिक्स से करो तो आ जाएगा। इन्होंने बताया है फोर में कि अगर आप किसी मैट्रिक्स को ए से मल्टीप्लाई करते हो तो उस मैट्रिक्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको इस तरह समझ लो कि वन जो है ना ये आइडेंटिटी है मैट्रिक्स के अंदर विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लीकेशन। देखो आइडेंटिटी क्या है यहाँ पे, वन ऑपरेशन भी डिस्कस करना है ना आपने, तो वन एक आइडेंटिटी तो है लेकिन किसके रिस्पेक्ट से, स्केलर मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट से। क्यों? क्योंकि वन को जब आप किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे, या आप स्केलर मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन नहीं है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन में वन को जब किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो अपनी जगह पे आ जाएगी। और अगर आप माइनस वन से करोगे तो वो माइनस हो जाएगी। इसी तरीके से पांचवी प्रॉपर्टी ये कि अगर आप किसी जीरो को ए से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट में जीरो नहीं आएगा, जरा ऑब्जर्व करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पेपर में शायद ना आए। जीरो को जब आप किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो उसका मतलब मैट्रिक्स के हर हर एलिमेंट को आप जीरो से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो रिजल्ट में आपके पास जीरो नहीं आएगा, रिजल्ट में आपके पास ओ आएगा, नल मैट्रिक्स। रिजल्ट में मैट्रिक्स ही मिलेगी, ऐसा नहीं है कि आपने किसी नंबर को मल्टीप्लाई किया मैट्रिक्स से आंसर में कोई नंबर आ रहा है, नहीं, आंसर में मैट्रिक्स ही आएगा, ठीक है। जैसे कंसीडर कर लो आपके पास लिखा हुआ 1 2 3 9 कर लेते हैं, इसको आपने जीरो से मल्टीप्लाई करना है तो रिजल्ट में ये आएगा। तो आमतौर पर बच्चे समझते हैं रिजल्ट में जीरो आ रहा है, जीरो नहीं, रिजल्ट में ओ आ रहा है, ओ मतलब नल मैट्रिक्स, ये सिंबल नल मैट्रिक्स का होता है, ठीक है। तो इस बात को जरा ध्यान में रखना। और अगर किसी नंबर को आप नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो तो भी रिजल्ट में नल मैट्रिक्स ही आएगी, ये खास बात नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाओ आखिरी टॉपिक है, और हिम्मत नहीं है मेरे अंदर पढ़ाने की। प्रॉपर्टीज है मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन की। तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज लिखी, पहली प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव। अच्छा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती आप लोगों को मैंने बताया। मैट्रिक्स जो है मैं लिख देता हूँ सबसे पहले नंबर पे कि ए बी नॉट इक्वल टू बी है, तो ये प्रॉपर्टी तो एग्जिस्ट नहीं करती, नॉट कम्यूटेटिव, लेकिन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, आप ए बी और सी को मल्टीप्लाई करो और फिर ए से करो, ये बात बराबर है कि आप पहले ए बी को करो और फिर सी से करो, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। तो मैट्रिक्स जो है वो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं लेकिन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करते। अच्छा, और अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है कि ए पहले आप बी और सी को आपस में ऐड कर रहे हो और फिर ए से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ये बात बराबर है कि पहले आप ए को बी से करो, बी ए को सी से करो और फिर उनको आपस में ऐड करो। तो पहले आपने ए को बी से मल्टीप्लाई किया, फिर आपने ए को सी से मल्टीप्लाई किया, फिर उनको आपस में ऐड किया, ये बराबर है कि पहले आप बी और सी को ऐड करो फिर मल्टीप्लाई करो। अच्छा, इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, मतलब एक लेफ्ट पे डिस्ट्रीब्यूटिविटी होती है एक राइट पे होती है, मतलब इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो बुक में कि बी प्लस सी ए, लेकिन फर्क होगा जरा गौर से समझना। अब इसमें क्या है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड में फर्क क्या है, पहले लेफ्ट हैंड साइड पे क्या था, ए को आप मल्टीप्लाई कर रहे थे बी प्लस सी से, यहाँ पे क्या है बी प्लस सी को मल्टीप्लाई कर रहे हो ए से, ये कम्यूटेटिव तो नहीं है ना, फर्क है, ए को बी प्लस सी से करो या बी प्लस सी को ए से करो, दोनों अलग अलग बातें हैं, ठीक है। तो इसमें जरा ये नंबर्स नहीं है कि आप फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई को आपने मल्टीप्लाई करना है जेड से, तो नंबर्स के अंदर तो ये पॉसिबल है ना कि आप जेड को इधर लिखो या आप जेड को इधर लिखो, बात एक ही है। इस वाले केस में आंसर होगा जेड एक्स प्लस जेड वाई, और इस वाले केस में होगा एक्स जेड प्लस वाई जेड, आपको पता है एक्स जेड लिखो या जेड एक्स लिखो बात एक ही होती है, लेकिन मैट्रिक्स के अंदर एक बात नहीं है, आप ए बी लिखो या बी ए लिखो तो बात अलग मानी जाएगी, ठीक है। तो इस वाले सीन में आप डिस्ट्रीब्यूटिव कैसे करोगे, बी को ए से मल्टीप्लाई करोगे प्लस सी को ए से मल्टीप्लाई करोगे, तो फर्क क्या है, यहाँ पे आंसर आ रहा था ए बी प्लस ए सी और यहाँ पे आंसर आ रहा है बी ए प्लस सी ए। ये बातें शायद एग्जाम में नहीं आएंगी ऑब्वियसली, लेकिन ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट समझ आएगा। मैंने बताया मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, आगे काफी काम आ रहा होता है, तो अगर आपको ये बेसिक बातें पता हो ना कि दोनों अलग अलग चीजें हैं, काफी काम आएंगी बाद में। अच्छा, इसी तरीके से आप जरा आइडेंटिटी प्रॉपर्टी देख लो मैट्रिक्स के अंदर। अगर आपको याद हो हम बोला करते थे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, तो मैंने बताया था उसको आइडेंटिटी इसलिए कहते हैं कि वो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी है। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट में वही आती है, करके देख लेना, और ऑर्डर भी मैटर नहीं करता, आप ए आई करो या आई ए करो,
एक ही बात होती है, ठीक है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी है? यूनिट मैट्रिक्स। आप किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्चुअली चलो यार, नंबर की है कि अगर आप किसी नंबर को एबी से मल्टीप्लाई करो तो देख लेना, एक ही बात है। पार्ट नंबर 4 है, पेज नंबर 39 38 पे सारी प्रॉपर्टीज है। अच्छा, 5 में क्या लिखा है? 5 में इनवर्स प्रॉपर्टी लिखी हुई है, जरा उसको देख लेते हैं। ये मैंने मिटाई क्यों है, एक बार खत्म जल्दी से। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, चौथी बना देते हैं इसको। देखिए तो बिलफर्ज, अगर ए को अगर आप बी से मल्टीप्लाई कर रहे हो, रिजल्ट में आपको आइडेंटिटी मिल रही है, ये वही जो मैंने यहाँ पे इनवर्स प्रॉपर्टी आपको बताई थी कि अगर आपने किसी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट में आपको आइडेंटिटी मिल रही है। इसका मतलब यहाँ पे जो बी है ना वो इनवर्स है ए का, इनवर्स ऑफ ए। और कौन सा इनवर्स? मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। आप उल्टा भी बोल सकते हो कि बी का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ए है, या ये भी बोल सकते हो ए का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स बी है। मैं अभी ए के सेंस से बात कर रहा हूँ। तो अगर आप ए को किसी ऐसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो कि रिजल्ट में आपको आइडेंटिटी मिल जाए, तो उसका मतलब आपने ए को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे जो बी जो है ना वो उसका इनवर्स है। और लिखने का तरीका क्या होता है, हम इसको इस तरह लिखते हैं, ए इनवर्स। जैसे यहाँ पे माइनस ए लिखते हैं ना, इधर हम लिखते हैं ए इनवर्स। अब ये ए इनवर्स निकालना किस तरीके से, इसका भी प्रोसेस होता है, इंशाल्लाह आइंदा आने वाले जो एक्सरसाइज है उसमें हम पढ़ेंगे। मैं कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ कि जब ए को आप किसी ऐसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो कि रिजल्ट में आइडेंटिटी है, तो समझ जाना आपने जिसे मल्टीप्लाई किया वो मैट्रिक्स इनवर्स है ए का। ठीक है, लिखने का तरीका निकालेंगे इस तरीके से, वो इंशाल्लाह बाद में हम देखेंगे। तो ये बात यहाँ पे लिखी हुई। फिर जो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज लिखी हुई है, ये जो पेज नंबर 39 है ना, यहाँ पे आपको देखना ट्रांसपोज आपको मिल जाएगा। मैं जरा वैसे बता देता हूँ, हल्का फुल्का समझा देता हूँ, बाकी आपको देख लेना कि ट्रांसपोज मैटर नहीं करता कि अगर आप मैं लिखवा देता हूँ जल्दी से यहाँ पे कि बिलफर्ज अगर दो मैट्रिक्स है, आप इनको एड या सब्ट्रैक्ट करो और फिर ट्रांसपोज लो। ये बराबर है कि पहले आप दोनों के अलग अलग ट्रांसपोज ले लो और फिर उनको आपस में एड या सब्ट्रैक्ट कर दो, एक ही बात है, ठीक है। इसी तरह अगर आप किसी के ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लो, के ए का मतलब के फॉर एग्जाम्पल कोई मैट्रिक्स है जिसको आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, के कोई भी नंबर है ना, तो आप मैट्रिक्स को पहले 2 से मल्टीप्लाई करो और फिर उसका ट्रांसपोज लो। ये बराबर है कि पहले आप उसका ट्रांसपोज ले लो फिर उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब पहले वाले में क्या है कि आप पहले ए को उस नंबर के से मल्टीप्लाई कर रहे हो फिर ट्रांसपोज ले रहे हो, ये बराबर है कि पहले आप ट्रांसपोज ले लो फिर के से मल्टीप्लाई कर दो। इसी तरीके से अगर आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लो और फिर दोबारा उसका ट्रांसपोज ले लो तो वो उसी के बराबर हो जाएगा। मतलब आपने एक दफा ट्रांसपोज दिया और फिर आपने दोबारा ट्रांसपोज ले लिया, ये वही बात है कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर कॉन्जुगेट का बताया था, एक दफा कॉन्जुगेट लो और फिर दोबारा कॉन्जुगेट लो तो वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है। तो सेम काम मैट्रिक्स के अंदर भी होगा। और पार्ट नंबर जो 4 है ना, इसको रिवर्सल लॉ भी कहते हैं। वो ये है कि अगर आप किसी ए और बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो और फिर ट्रांसपोज लो, ये बराबर होगा कि आप दोनों का अलग अलग ट्रांसपोज लो और फिर मल्टीप्लाई कर दो आपस में, लेकिन ऑर्डर चेंज हो जाता है, तभी रिवर्सल लॉ कहते हैं इसको। कि पहले आपने यहाँ पे ए बी को मल्टीप्लाई किया था फिर ट्रांसपोज लिया था, ये बराबर है कि पहले आप बी का ट्रांसपोज लो, ए का ट्रांसपोज लो और फिर उनको आपस में मल्टीप्लाई करो। तो ये ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज नहीं है, ये बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज है, मतलब ऑर्डर चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पे ए बी है तो यहाँ पे बी ए का ऑर्डर हम यूज करेंगे। अच्छा बच्चों, लास्ट लास्ट में हमने 2.1 जो है वो कंप्लीट कर ली थी, और 2.2 की मैंने आप लोगों को थ्योरी बता दी थी। मैं हल्का फुल्का रिवाइज करवा देता हूँ। 2.2 में ऐसा कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं था, प्रॉपर्टीज के टॉपिक थे, आप प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, मैट्रिसेस की, एडिशन की, मल्टीप्लीकेशन की, बेसिक बेसिक बातें आपने पढ़ी थी। फिर कुछ ऑपरेशन आपने पढ़े थे, ऐड किस तरह करना है, मल्टीप्लाई, डिवाइड तो खैर नहीं है, बता दूंगा क्यों नहीं है। तो ये बेसिक बेसिक बातें आपने पढ़ी थी। अब जरा 2.2 को हम जरा सॉल्व करते हैं। 2.2 के जो क्वेश्चंस है वो काइंड ऑफ बेसिक है, एडिशन मल्टीप्लीकेशन उसी से रिलेटेड है, लेकिन जाहिर सी बात है जब पहली दफा आपका टॉपिक कर रहे हो तो सीखना है आप लोगों को। तो पहले क्वेश्चन पे आओ, लिखा है आपको दो मैट्रिसेस दी गई हैं और आपको क्या करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 में दोनों को ऐड करना है, पार्ट नंबर 2 में सब्ट्रैक्ट करना है, पार्ट नंबर 3 में आपने ए मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करना है फिर माइनस करना है बी से, और पार्ट नंबर 4 में पहले आपने ए को 3 से मल्टीप्लाई करना है फिर उसको बी में ऐड करना है और फिर उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ऐड करना है। तो मैं काइंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 करवा देता हूँ आप लोगों को, जल्दी से देख भी लो थोड़ा कि मैट्रिक्स ए आपको गिवन है वो लिख लेते हैं।
ये मैट्रिक्स ए गिवन है, पार्ट नंबर वन, पार्ट नंबर टू, पार्ट नंबर थ्री तो बहुत इजी हैं, इनको आप लोग खुद थोड़ा देख लो तो समझ आ जाएगी कि आपको जस्ट ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। ये दो मैट्रिसेस आपको गिवन है, और पार्ट नंबर फोर में आपको क्या बोला हुआ है कि आपको कैलकुलेट करना है थ्री ए बी प्लस आई कैलकुलेट करना है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें बहुत बेसिक सी एग्जांपल है। इसमें आपको दो किस्म के ऑपरेशन नजर आ रहे हैं, एक तो आपने ऐड करना है, दूसरा आपने स्केयर मल्टीप्लीकेशन वाला ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मतलब मैट्रिक्स ए को आपने थ्री से मल्टीप्लाई करना है। तो ये मैट्रिक्स ए है, मैं डायरेक्ट इनको ऐड कर देता हूँ, पेपर में सवाल आते नहीं है, बेसिक सी है। तो आप पहले इस मैट्रिक्स को थ्री से मल्टीप्लाई कर दो, तो आप थ्री से मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा थ्री प्लस थ्री आयोटा, हो जाएगा सिक्स, ये हो जाएगा नाइन आयोटा। इसको थ्री से करो ये हो जाएगा ट्वेल्व आयोटा, इसको थ्री से करो फिफ्टीन माइनस थ्री आयोटा, इसको थ्री से करो तो सिक्स प्लस नाइन आयोटा, ये तो जीरो रहेगा, ये फिफ्टीन हो जाएगा और ये थ्री माइनस थ्री आयोटा रहेगा। तो ये है आपकी मैट्रिक्स थ्री ए, थ्री ए को आपने ऐड करना है बी के अंदर। ये पूरी बी मैट्रिक्स है, दोबारा मैं दिखनी था को कॉपी कर देते हैं, ये बी मैट्रिक्स आपने लिख दी। फिर इसको आपने ऐड करना है आई में। देखो एडिशन की शर्त होती थी कि ऑर्डर सेम होने चाहिए मैट्रिक्स के ऐड करने के, तो आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो टू बाई टू की भी हो सकती है, थ्री बाई थ्री की भी हो सकती है, आपने कौन सा ऑर्डर चूज करना है जो इनको ऑर्डर है। और मेरे ख्याल में सवाल में भी उन्होंने लिखा होगा कि आई जो है वो थ्री बाई थ्री की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेगा, ऑर्डर आपने चूज करना है। अगर बिलफर्स पेपर में आपको ना भी दिया जाए तो आपने बाय डिफॉल्ट जो इनका ऑर्डर होगा ना वही आपने उसका ऑर्डर लेना है, वरना ये ऐड नहीं हो पाएंगी। तो आइडेंटिटी का भी ऑर्डर हम थ्री बाय थ्री लेते हैं, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो चाहो तो आप एक साथ ही इसको ऐड कर दो, एक साथ ऐड करने का मतलब तीनों को थ्री प्लस थ्री आयोटा को जब ऐड करोगे टू प्लस आयोटा में तो क्या हो जाएगा, थ्री आयोटा और थ्री आयोटा ये हो जाएगा फोर आयोटा, थ्री आयोटा प्लस आयोटा, इसी तरह थ्री प्लस टू फाइव और इसका वन ऐड करोगे तो सिक्स हो जाएगा ये। ठीक है, आपने क्या किया, सबसे पहले थ्री प्लस थ्री आयोटा को आपने ऐड करना है टू प्लस आयोटा में, फिर आपने ऐड करना है वन के अंदर, तो सेम पोजीशन के एलिमेंट्स को आपस में आपने ऐड करना है। तो थ्री प्लस टू प्लस वन ये हो जाएगा सिक्स और थ्री आयोटा प्लस आयोटा ये हो जाएगा फोर आयोटा। इसी तरह सिक्स थ्री में ऐड करोगे हो जाएगा नाइन माइनस आयोटा, उसको जीरो में ऐड करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नाइन माइनस आयोटा रहेगा। इसी तरह नाइन आयोटा को फोर में करो ये हो जाएगा फोर नाइन आयोटा और वहां पे तो वैसे ही जीरो है तो आप छोड़ दो। इसी तरह ये नंबर भी जीरो है, आप इन्हीं को ऐड कर दो, ट्वेल्व आयोटा को इस आयोटा में ऐड करो थर्टीन आयोटा। फिर फिफ्टीन माइनस थ्री आयोटा को जीरो में ऐड करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिफ्टीन माइनस थ्री आयोटा को जब वन में ऐड करोगे तो ये हो जाएगा सिक्सटीन माइनस थ्री आयोटा। इसी तरह सिक्स प्लस नाइन आयोटा को इसमें ऐड करो ये हो जाएगा इलेवन प्लस एट आयोटा, नाइन माइनस वन एट और सिक्स प्लस फाइव 11। इसी तरह बाकी भी आपने करना, ये दो जीरो है तीसरे में इसका इफेक्ट पड़ेगा, तो जीरो को इसमें ऐड करो सिक्स प्लस आयोटा, फिफ्टीन को ऐड करो सेवनटीन और थ्री और टू फाइव और वो वन सिक्स, थ्री आयोटा प्लस थ्री आयोटा कैंसिल हो जाएंगे, ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो बस बहुत बेसिक सी एग्जांपल है, करवाने का मकसद ये कि दो देख लो थोड़ा एडिशन किस तरह करना है, यहाँ सब्ट्रैक्शन का आ जाए सब्ट्रैक्ट कर लेना, बस बेसिक बेसिक सी बातें हैं। कोई सवाल हो तो पूछ लेना मुझसे। क्वेश्चन नंबर टू में लिखा हुआ है आपको ए बी सी तीन मैट्रिसेस दी हुई है, आपको बोला हुआ है वेयर एवर पॉसिबल कंप्यूट द फॉलोइंग। वो कह रहे हैं कि जहां पे पॉसिबल है तो आप ये मालूम करो, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन की शर्त होती है, आप हर दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल इन्होंने दस पार्ट दिए हैं, अब सब में आपने सबसे पहले देखना है क्या मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है या नहीं है, अगर पॉसिबल है तो बाकी आप काम करोगे। तो हम जरा देखते हैं, पहले पॉसिबल की शर्त देखते हैं कि है या नहीं है। जैसे पहले मैं लिख लेता हूँ मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है, थ्री बाई थ्री, ये मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है। मैट्रिक्स बी का ऑर्डर भी थ्री टू बाई थ्री है, मैट्रिक्स सी का ऑर्डर है थ्री बाई टू, ये ए बी सी इन तीनों के ऑर्डर मैंने लिख दिए। सबसे पहले पार्ट में आपको लिखा हुआ है ए सी, मतलब ए को मल्टीप्लाई करो सी से, ये आपको मालूम करना है। मालूम करने का तरीका तो मैं बता दूंगा, एक एग्जाम्पल करवा दूंगा दोबारा, वैसे भी पहले करवाई थी, लेकिन सबसे पहले देखो पॉसिबल है या नहीं है। तो ए का ऑर्डर है थ्री बाई थ्री, सी का ऑर्डर है थ्री बाई टू, अगर इनर नंबर जो है वो आपस में इक्वल हैं तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, इसका मतलब पी, पी मतलब पॉसिबल है, आप मल्टीप्लाई कर सकते हो उसके अंदर। इसी तरह अगर आप देखो बी सी को, सी का ऑर्डर है टू बाई थ्री और सी का ऑर्डर है थ्री बाई टू,
अगेन जो इनके इनर नंबर है वो आपस में इक्वल है, इसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल। पार्ट नंबर थ्री की बात करो तो लिखा हुआ है ए बी, ए का ऑर्डर है 3/3, बी का ऑर्डर है 2/3, इनके जो इनर नंबर है ना ये आपस में नॉट इक्वल है, इसका मतलब यहाँ पे आपकी मल्टीप्लीकेशन नॉट पॉसिबल है। उसका मतलब पार्ट नंबर थ्री में मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, सिंपल नॉट पॉसिबल है। तो इसी तरह बाकी पार्ट भी है, उनको भी आप ट्राई कर लेना, पार्ट नंबर फोर, पार्ट नंबर फाइव। अच्छा, पार्ट नंबर फाइव में लिखा हुआ है ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब ए मल्टीप्लाई ए। तो अगर कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर है ना, ए जो है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ना 3/3, तो उसका स्क्वायर आप आसानी से निकाल सकते हो, ए मल्टीप्लाई ए क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होगी, करके देख लेना वहां पे। हाँ, अगर कुछ इस टाइप की मैट्रिक्स है उसका स्क्वायर मुश्किल होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको बोला जाए बी स्क्वायर निकालो, तो बी स्क्वायर का मतलब बी को अपने आप से मल्टीप्लाई करो, बी का ऑर्डर है 2/3, अगेन बी का ऑर्डर है 2/3, तो ये चीज तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब हर मैट्रिक्स का स्क्वायर नहीं आ सकता। हाँ, जो मैट्रिक्स स्क्वायर है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका तो स्क्वायर आप आसानी से निकाल सकते हो, स्क्वायर निकाल लो, क्यूब निकाल लो, लेकिन जो मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, तो वहां पे आपको चेक करना पड़ता है, इतने इजी कंडीशन नहीं होती। इनफैक्ट रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का स्क्वायर आप नहीं निकाल सकते, कोई भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी उसका स्क्वायर नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि उसमें दोनों नंबर अलग होंगे ना, बिल्कुल अगर 3/4 है तो हाँ नहीं निकाल सकते आप। तो ये आप जहन में रखना, जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उन्हीं के आप स्क्वायर या क्यूब जो निकाल सकते हो। बहरहाल अगर ये होता, ये तो पॉसिबल नहीं है, सवाल में ए स्क्वायर लिखा हुआ था तो वो पॉसिबल है। पार्ट सिक्स में सी भी लिखा हुआ है, देख लेना आप लोग। पार्ट नंबर सेवन में जरा मैं बता देता हूँ, लिखा हुआ है ए बी और सी, इसका मतलब पहले ए बी को मल्टीप्लाई करो, जो रिजल्ट आए उसको सी से मल्टीप्लाई करो। क्या ये पॉसिबल है, चेक कर लेते हैं। क्या ए और बी को मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? नहीं भाई, ए बी ही पॉसिबल नहीं है। ए बी में हमने ऊपर ही देखा था ना कि ए बी को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो जब ए बी को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते तो सी से मल्टीप्लाई करने वाली बात तो आ ही नहीं सकती ना, तो स्ट्रेट अवे आप लिख दोगे नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है बात। पार्ट नंबर एट में उन्होंने बोला हुआ है सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। अब इसका चेक करना है आपको, क्या ये पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल। सबसे पहली बात, जब आप ट्रांसपोज लेते हो ना तो वो ऑर्डर उसका चेंज हो जाता है। अगर सी का ऑर्डर है 2/3, जब आप ट्रांसपोज लोगे तो ये हो जाएगा 2/3, बी का ऑर्डर है 2/3, जब ट्रांसपोज लोगे 3/2 हो जाएगा। अगर मैच कर रहे हैं इसके, इसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। तो जब आप ट्रांसपोज लेते हो तो आपको ऑर्डर चेंज करना पड़ता है, ठीक है। मल्टीप्लाई किस तरह करना है वो आप लोग कर लोगे, ऐसा कोई मसला नहीं है। पार्ट नंबर नाइन में लिखा हुआ है सी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अब देखो सी है 3/2, इसका ट्रांसपोज हो जाएगा 2/3, और स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले भी लो फर्क नहीं पड़ता, अगेन मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे पॉसिबल है। और आखिर लिखा हुआ है सी ए बी, सी ए पॉसिबल है क्या? अगर आप देखो ये सी है, नहीं सी ए भी पॉसिबल नहीं, करके देख लेना। तो जब सी ए पॉसिबल नहीं है तो उसको बी से मल्टीप्लाई तो आप कर ही नहीं सकते। मल्टीप्लाई किस तरीके से करना है यार, ये मैंने डिटेल में क्लास में बताया था। अभी भी कुछ सवाल ऐसे होंगे जिसमें मल्टीप्लाई करना होगा दो मैट्रिसेस को, तो मैंने आप लोगों को एक इजी एग्जांपल समझाई थी, डिटेल में कॉन्सेप्ट बताया था, फिर एक मुश्किल एग्जांपल भी दी थी आप लोगों को, उसमें भी मैंने समझा दिया था। अभी और भी मल्टीप्लीकेशन की काफी चीजें आएंगी तो जरा देख लेंगे हम उसमें, ठीक है। पेपर में वाइजा सवाल नहीं आते, आप लोग इसमें से 2-3-4 पार्ट कोई भी ट्राई कर लेना ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी हो जाए इसमें। क्वेश्चन नंबर थ्री में लिखा हुआ है आपको एक्स और वाई मैट्रिक्स दी हुई है और जेड मैट्रिक्स दे दी है, और आपको बोला हुआ है कि शो दैट, मतलब प्रूव करो कि एक्स वाई मैट्रिक्स बराबर है एक्स जेड के। अगेन मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे आ गई, तो मल्टीप्लीकेशन हर सवाल में कहीं ना कहीं आ रही होगी, वो मैं इंशाल्लाह जब सवाल एक दो करवाऊंगा उसमें आप लोगों को बता दूंगा। तो आप लोग क्या करना, सबसे पहले ये सवाल पेपर में आ सकता है प्रूव करने का, ठीक है। तो आप लोग तीन मैट्रिक्स को लिख देना कि एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। उसके बाद आप लेफ्ट हैंड साइड पिक करना, लेफ्ट हैंड साइड है एक्स वाई, तो एक्स मैट्रिक्स और वाई मैट्रिक्स, इसको मल्टीप्लाई करना, सिंप्लीफाई कर दो, जब जितना सिंप्लीफाई हो जाए वन बोल देना इसको, फॉर एग्जांपल। फिर आप राइट हैंड साइड को पिक करना, राइट हैंड साइड है एक्स जेड, को पिक करना, जेड को पिक करना, मल्टीप्लाई करना आपस में, सिंप्लीफाई करना, इसको इक्वेशन टू बोल देना। आप खुद देखोगे वन और टू आपस में इक्वल है, तो लिख देना कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सही। क्वेश्चन नंबर फोर में आपको मैट्रिक्स ए दी हुई है और बोला हुआ है कि मालूम करो ए स्क्वायर माइनस फाइव ए प्लस फोर है। ये मैं चलो करवा देता हूँ ताकि प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाए, मल्टीप्लीकेशन भी देख लोगे आप लोग इसमें। अच्छा, आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, ए स्क्वायर माइनस फाइव ए प्लस फोर आई, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है।
तो ये वैल्यू निकालने के लिए आपको तीन बातें पता होनी चाहिए। सबसे पहले ए स्क्वायर, 5a और 4i, ये तीन चीजें पता होंगी आप आसानी से निकाल लोगे। तो जरा सॉल्यूशन पे आते हैं। सबसे पहले हम ए स्क्वायर निकालते हैं। ए स्क्वायर का मतलब क्या है? a मल्टीप्लाई a, इसका मतलब आपको a को a से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं a को लिस्ट बना लिख देता हूं, ये a हो गई, इसी को आपने a से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लीकेशन का तरीका मैंने क्या बताया हुआ था कि आपने रॉ को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो वही टेक्निक हम लगाते हैं यहाँ पे। ये आपकी है पहली रॉ, इसको मल्टीप्लाई कर दो पहले कॉलम से। तो माइनस टू को माइनस टू से करोगे ये फोर हो जाएगा, वन को माइनस वन से करोगे ये माइनस वन हो जाएगा, जीरो को जीरो से करोगे जीरो हो जाएगा। वंस आपका कॉलम खत्म, आप सेकंड कॉलम पे आओगे तो थोड़ी सी जगह छोड़ोगे, अगेन इस रॉ को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करो। तो माइनस टू को वन से करो माइनस टू, वन को फोर से मल्टीप्लाई करो फोर, जीरो को एट से मल्टीप्लाई करो जीरो, अगेन कॉलम खत्म जगह छोड़ो। माइनस टू को मल्टीप्लाई करो जीरो से जीरो, वन को मल्टीप्लाई करो थ्री से थ्री, जीरो को फाइव से मल्टीप्लाई करो जीरो। वंस आपके कॉलम खत्म हो जाए, आप देखो दो तीन सारे कॉलम खत्म हो गए हैं इसके अंदर, कोई कॉलम बचा नहीं है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? नेक्स्ट रॉ पे आना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब आप नेक्स्ट रॉ पे आ रहे हो तो यहाँ पे भी अब आपको नेक्स्ट रॉ पे आना पड़ेगा, और नेक्स्ट रॉ में अगेन वही काम करोगे कि पहले इस रॉ को मल्टीप्लाई करोगे इस कॉलम से, फिर जगह छोड़ोगे, फिर इस रॉ को मल्टीप्लाई करोगे दूसरे कॉलम से, फिर जगह छोड़ोगे और इस रॉ को मल्टीप्लाई करोगे तीसरे कॉलम से। तो एक काम मैं कर रहा हूँ, कोई मसला हो, कहीं इश्यू हो या मैंने कोई गलती की हो तो मुझे बता देना। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं पहले कॉलम से, अब दूसरे कॉलम से करते हैं, अच्छा जी आप तीसरे कॉलम से करते हैं, जीरो ट्वेल्व और फिफ्टीन, कॉलम खत्म, आदो थर्ड रोड पे मल्टीप्लाई करो, पहले से जीरो हो जाएगा माइनस एट हो जाएगा जीरो, फिर जीरो थर्टी टू फोर्टी, फिर जीरो ट्वेंटी फोर प्लस ट्वेंटी फाइव। अब इसके बाद आपने सिंपल ऐड करना है और आपके पास क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा ये हो जाएगा थ्री टू थ्री, अच्छा माइनस टू सिक्सटीन, ये फोर्टी होता है तो ये हो जाएगा थर्टी नाइन, ट्वेल्व ये हो जाएगा ट्वेंटी सेवन, अच्छा माइनस एट सेवेंटी टू और फोर्टी नाइन। कहीं मिस्टेक हो सकती है एडिशन सब्ट्रैक्शन की, तो आप लोग देख लेना, थोड़ा ख्याल रख लेना। अच्छा ए स्क्वायर आपने निकाल लिया। अच्छा आमतौर पर स्टूडेंट ऐसे भी कर सकते हैं कि यार इन तीनों चीजों को एक साथ कैलकुलेट करें, लेकिन ऐसे करना नहीं, उसकी वजह यह कि 5a और 4i निकालना बड़ा इजी काम है, तो ये तो आप दूसरे स्टेप में ही निकाल लोगे, फिर इसको फालतू में आप सिंप्लीफाई कर रहे होगे, तो बेहतर है ए स्क्वायर निकाल लो फिर 5a 4i लिखो और एक साथ इनको मल्टीप्लाई कर एक साथ सॉल्व कर देना, या इस तरह कर लो कि ए स्क्वायर आपके पास आ गया ना, अब डायरेक्ट आप इसको सॉल्व कर लो। कैसे? कोई बड़ी बात नहीं है सॉल्व करना, ए स्क्वायर निकालना सर मुश्किल था ना, बाकी तो आप वर्बली भी निकाल सकते हो, कोई इतना इश्यू तो नहीं है। तो ए स्क्वायर माइनस 5a, ये तीन मैट्रिसेस हैं। सबसे पहले आप ए स्क्वायर मैट्रिक्स लिख दो यहां पे, ए स्क्वायर मैट्रिक्स हमने निकाली है थ्री टू थ्री, माइनस टू थर्टी नाइन ट्वेंटी सेवन, माइनस एट सेवेंटी टू फोर्टी नाइन, ये ए स्क्वायर है। फिर दरमियान में माइनस लगा दो, माइनस लगाने के बाद कौन सी मैट्रिक्स लिखनी है? फाइव ए। फाइव ए मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि ए मैट्रिक्स को फाइव से मल्टीप्लाई करो, मतलब ए के सारे एलिमेंट को आपने फाइव से मल्टीप्लाई करना है, ये ए मैट्रिक्स है, सारे एलिमेंट को फाइव से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, फिर आपने ऐड करना है फोर आई में, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को फोर से मल्टीप्लाई करो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में तीन ही जगहों पे वन वन आ रहा होता है जब, और बाकी जगहों पे जीरो होता है, तो जब आप फोर को मल्टीप्लाई करोगे जीरो से मल्टीप्लाई होंगे तो वो खत्म हो जाएंगे, और वन वन से फोर मल्टीप्लाई होगा तो फोर 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 हो जाएगा, तो आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये बन जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस फाइव ए प्लस फोर आई। चाहो तो आप पहले इन दो को सॉल्व कर लो फिर जो रिजल्ट है उसको इसमें ऐड कर लो, या एक साथ भी आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है। एक साथ किस तरीके से करोगे? डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हो या बाद में सॉल्व करके लिख लो। माइनस माइनस टेन हो जाएगा थ्री प्लस टेन प्लस फोर, ये सिचुएशन बन जाएगी।
ठीक है, सेम पोजिशन के एलिमेंट को आपने एड सब्ट्रैक्ट करना है. इसी तरह टू माइनस फाइव प्लस जीरो, तरीके से थ्री माइनस जीरो एड करना है जीरो के अंदर, ये करना आपने. ठीक है, इसी तरह माइनस टू माइनस माइनस फाइव. देखो पोजीशन सेम होनी चाहिए, अगर आपने ये पिक किया तो यहां का भी ये पिक करो, यहां का भी ये पिक करो, सेम पोजीशन पे सारे. तो माइनस टू और माइनस और ये वाला माइनस, ये पॉजिटिव हो जाएंगे. तो माइनस टू प्लस फाइव और जीरो को ऐड करो जीरो. इसी तरह 39 माइनस 20 और ऐड करो वन के अंदर, सॉरी फोर के अंदर. इसी तरीके से 27 माइनस 15 प्लस जीरो, 27 माइनस 15 प्लस जीरो. इसी तरह माइनस 8 माइनस जीरो और ऐड कर दो जीरो के अंदर. इसी तरह 72 माइनस 40 और ऐड कर दो जीरो के अंदर. इसी तरह 49 25 और ऐड कर दो आप फोर के अंदर. आपने तीनों मैट्रिक्स को एक साथ ही कर दिया. अब आप फाइनल आंसर लिख दो इसका. ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा माइनस 3, ये हो जाएगा 3 अच्छा जी, ये हो जाएगा 19, 19 को 4 में ऐड करो 23, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा माइनस 8, ये हो जाएगा 32 और ये हो जाएगा 28 आई गेस. चेक कर लेना कोई मिस्टेक हो सकती है कहीं पे. तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया, ए स्क्वायर माइनस 5 ए प्लस 4 आई. इस तरीके से आपने सॉल्व करना. तो मल्टीप्लीकेशन भी आपने देख ली, एडिशन सब्ट्रैक्शन भी देख ली और स्केलर मल्टीप्लीकेशन भी आपने देख ली. तो हर किस्म का सवाल जो है जो आपने 5.2 में टॉपिक्स पढ़े थे ना वो कवर होंगे इसके अंदर. अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 में करवाता हूँ. क्वेश्चन नंबर 6 देख लो. ए और बी मैट्रिक्स आपको गिवन है और आपको सबसे पहले पार्ट में बोला हुआ है वेरीफाई करो कमोटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन. कमोटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि दो मैट्रिक्स को आप जिस भी ऑर्डर में ऐड करो वो फर्क नहीं पड़ेगा. बेसिकली आपको प्रूफ क्या करना है पार्ट वन में, ए प्लस बी बराबर है बी प्लस ए के. तो आप लेफ्ट हैंड साइड पिक करना, पहले ए प्लस बी करना, फिर राइट हैंड साइड पिक करना बी प्लस ए करना. ऑब्वियसली ये आप खुद जानते हो कि लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड आप बराबर होगी, प्रॉपर्टी आपकी प्रूव हो जाएगी. इसी तरह पार्ट नंबर टू में बोला हुआ है ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज. मैं जरा स्टेप्स देके बताता हूँ आप लोगों कैसे मालूम इसको प्रूफ करोगे. ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज. ये मैंने ट्रांसपोज के अंदर प्रॉपर्टी बताई थी, इसको रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोज कहा जाता है. इसको प्रूफ कैसे आप करोगे, सबसे पहले आप पिक करोगे लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड में आप बोलना कि लेफ्ट हैंड साइड क्या है ए बी ट्रांसपोज. लेकिन हम अभी डायरेक्ट ए बी ट्रांसपोज नहीं निकालेंगे, पहले हम एक काम करते हैं ए बी निकाल लेते हैं फिर हम ए बी ट्रांसपोज निकाल लेंगे. तो अब हेडिंग बनाना कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए बी ट्रांसपोज और फिर नेक्स्ट में आप क्या करना, सबसे पहले ए बी निकालना, मतलब ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करना. वंस ए बी आपके पास आ जाए फिर नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करना ए बी ट्रांसपोज निकालना. तो ए बी ट्रांसपोज आपके पास आ जाएगा और उसको इक्वेशन वन बोल देना. फिर आना राइट हैंड साइड में. राइट हैंड साइड में सबसे पहले आप पुट नहीं करना, पहले ए ट्रांसपोज निकालना, फिर आप बी ट्रांसपोज निकालना, उसके बाद बी ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स और फिर ए ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स उनको आपस में मल्टीप्लाई करना. ऑर्डर मैटर करता है, पहले बी ट्रांसपोज आना चाहिए फिर ए ट्रांसपोज आना चाहिए. तो पहले बी ट्रांसपोज की मैट्रिक्स लिखना, ए ट्रांसपोज की मैट्रिक्स लिखना, आपस में इनको मल्टीप्लाई करना. जब बिल्कुल फाइनलाइज कर दो तो इसको इक्वेशन नंबर टू कह देना. आप खुद ऑब्जर्व करोगे जो इक्वेशन नंबर वन है और जो इक्वेशन नंबर टू है वो आपस में इक्वल होगी. तो बोल देना कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड. सही है, तो बेसिक से सवाल इनको ट्राई कर लेना. क्वेश्चन नंबर फाइव जो है ये पहले भी पुरानी बुक्स में भी था. ये क्वेश्चन नंबर फाइव हो गया, क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर थ्री, ये सारे पुरानी बुक्स में हुआ करते थे. तो क्वेश्चन नंबर फाइव एग्जाम में आया करता था. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फाइव में करवा देता हूँ. देखो अब ये आप लोगों की बुक में इक्वेशन का मुझे समझ नहीं आई क्योंकि मैट्रिक की मैथ नहीं पढ़ा था, लेकिन ये बात सेंस नहीं बनाती कि आप लोगों की बुक में इक्वेशन का पोर्शन हटा दिया गया है. लेकिन उसके कॉन्सेप्ट कैसे पता चलेंगे, आई डोंट नो कि मैट्रिक में हर चीज डाली हुई उन्होंने नहीं डाली हुई क्या सीन है. बहरहाल तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में टॉपिक हुआ करता था, उसको आप कहते थे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी. यूनिटी मतलब वन. क्यूब रूट क्या होता है वैसे, किसी को पता है? क्यूब रूट के नहीं पता, स्क्वायर रूट का पता है सबको? स्क्वायर रूट की पावर क्या होती है? जो स्क्वायर रूट होती है ना उसके साइड में छोटा सा थ्री लिखते हैं. हाँ छोटा सा थ्री लिखते हैं, लेकिन उसको अगर पावर की फॉर्म में कन्वर्ट करें तो क्या होता है? वन अपॉन थ्री. हाँ भाई यही मैं चाह रहा था कि जो क्यूब रूट है ना उसके लिखने का तरीका तो ये होता है
लेकिन जैसे स्क्वायर रूट को आप 1/2 लिखते हो ना, इसी तरह क्यूब रूट को 1/3 लिखते हो, ठीक है? तो अगर आपसे बोला जाए कि आप निकालो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये चीज अगर आपको बोली जाए, तो कहने का मतलब क्या है? क्यूब रूट निकालना है किसका? यूनिटी का। यूनिटी क्या होता है? वन, वन का क्यूब रूट, ठीक है? तो लेट कर लो जो वन का क्यूब रूट है वो एक्स के बराबर है। दोनों तरफ आप क्यूब लो, यहां पे भी पावर क्यूब ले लो, यहां पे भी आप पावर क्यूब ले लो, तरफ आप कुछ भी ले सकते हो। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब, यहां से कैंसिल होके हो जाएगा वन। तो इक्वेशन आपके पास आ जाएगी एक्स क्यूब इज इक्वल टू वन, इधर ले आओ, ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। इस असूल को याद रखना अलजबरा में। थोड़ी सी मेरी एनर्जी डाउन है क्योंकि यार मेरे पेट में बड़ा दर्द हो रहा है, तो अगर बोर हो रही हो तो मेरी तरफ से माजरत। फिर पहले कौन सा मैं मुजरा करता था यहाँ पे। एक्स क्यूब माइनस वन, अगर आप इस इक्वेशन को देखो तो ये क्यूबिक इक्वेशन है। इस असूल को याद रखना, आपकी इक्वेशन की जितनी डिग्री होती है ना उतने आंसर आते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो इसकी डिग्री 3 है, आंसर आएंगे 3 आएंगे। बाकी भी बोला करो ताकि पता चले जिंदा हो, सुन रहे हो आप लोग, 3 आंसर आएंगे। लेकिन अगर आप कैलकुलेटर में जाते हो और 1 का क्यूब रूट निकालते हो, सिंपल, ये तो 1 का क्यूब रूट था ना जिसको आपने x का नाम दिया था फिर इक्वेशन बनाई थी, तो 1 का क्यूब रूट कैलकुलेटर में आपको 1 ही मिलेगा, ठीक है? वो आपको रियल आंसर देगा, आंसर होगा वो रियल देगा आपको। जो बाकी 2 आंसर है वो कॉम्प्लेक्स है, अगर आपने कैलकुलेटर से निकालने हैं वो कॉम्प्लेक्स आंसर भी, तो कैलकुलेटर आपको देगा अगर आप कैलकुलेटर के इक्वेशन वाले मोड में जाओगे। कैलकुलेटर के अंदर मॉड होता है इक्वेशन सॉल्विंग का, उसमें अगर आप जाओगे तो जो क्यूबिक इक्वेशन आएगी ना, अगर उसकी जगह आप ये पुट करोगे तो आपको 3 आंसर वो देगा। अगर सिंपल 1 का क्यूब रूट पुट करोगे तो वो तो आपको आंसर 1 देगा जो रियल इसका आंसर होता है। तो 3 आंसर है, 1 रियल होगा, 2 कॉम्प्लेक्स होंगे। मैंने बताया कॉम्प्लेक्स हमेशा पेयर की फॉर्म में आते हैं, कॉम्प्लेक्स 3 नहीं आ सकते, 5 नहीं आ सकते, 2 आएंगे, 4 आएंगे, इस तरह आ रहे होते हैं। तो निकालने का तरीका यह होता है, इसमें सिंपल वो फॉर्मा लगा दो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। अब मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि आप लोगों का टॉपिक है नहीं, टॉपिक मुझे कुछ और पढ़ाना है, लेकिन ये बातें पता होगी तो आगे जाओगे। एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाना, तो ये चीज आ जाएगी। फॉर्मूला आप लोगों को आना चाहिए, एक्स क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाओगे तो लेफ्ट हैंड साइड सिंपलीफाई हो जाएगी। फिर आप दोनों को इक्वल टू 0 रखोगे, एक तो एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 0, एक हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 0। इस चीज का आंसर तो 1 आ जाएगा। ये तो आपको ऑलरेडी पता था कि यार 1 का क्यूब रूट 1 तो होता है, रियल तो आपको ऑलरेडी पता, लेकिन जब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे ना तो वो बाकी 2 कॉम्प्लेक्स भी आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप यूज करोगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यूज कर लेना, आप लोगों को यूज करना आता है। मैं एंड का आंसर बता देता हूँ, एंड पे आपको ये मिल रहा होगा, माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट रूट 3 आयोटा अपॉन 2, ये मिल रहा होगा। तो एक में आप पॉजिटिव कंसीडर कर लो, एक में आप नेगेटिव कंसीडर कर लो, तो 2 कॉम्प्लेक्स आपको आंसर मिल जाएंगे। हमने अपनी आसानी के लिए ना इनको नाम दिया हुआ है। नाम क्या दिया हुआ है? कि जो माइनस 1 प्लस रूट 3 आयोटा अपॉन 2 है ना, हमने बोला कि ये ओमेगा के बराबर है। ये W नहीं है, ये ओमेगा हम कहते हैं, ग्रीक लेटर है ये, W जैसा है लेकिन बोलने में ओमेगा आता है ये, ठीक है? तो हमने कह दिया ये चीज जो है ये ओमेगा है। और हमने ऑब्जर्व किया कि अगर आप इस चीज का स्क्वायर करो, मतलब अगर इस वैल्यू का स्क्वायर करो ना, तो आपके पास दूसरी वाली वैल्यू आ रही है। आपको करके देख लेना, क्या करना है, इसका स्क्वायर करना। जब इसका स्क्वायर करोगे ना, सिंप्लीफाई करो, देखना ये चीज आएगी। तो अगर ये चीज को हमने लेट कर लिया कि ये अगर ओमेगा के बराबर है ये वाली वैल्यू, तो इसका स्क्वायर करने पे आपको ये मिल रहा है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर के। मतलब इस आप ओमेगा का स्क्वायर करो तो आपको ये चीज मिल रही होगी, ठीक है? तो यहां से आपके पास 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आए, एक तो 1, दूसरे को आप बोलोगे ओमेगा, तीसरे को आप बोलोगे ओमेगा स्क्वायर, जो कि आपके सवाल में लिखा है, जो नेक्स्ट सवाल मैंने करवाना था। अब ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर में फर्क क्या है, मतलब नहीं फर्क नहीं, इनसे रिलेटेड आपको कुछ बातें बतानी चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि तीनों जो क्यूब रूट का सम है ना, 0 के बराबर होता है। मतलब 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर को अगर आप ऐड करोगे, रिजल्ट 0 के बराबर होगा। ये करके देख लेना अगर शौक हो, तो 1 को ऐड करना, इसमें खुद आप ऑब्जर्व करोगे, मतलब 1 प्लस और माइनस, ये 3 वैल्यूज है, इनको आपस में ऐड करना, देखना 0 आ रहा होगा। इसी में से आप मालूम कर सकते हो, मतलब इसी चीज से आप निकालो कि अगर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की, 1 को उधर ले जाओ तो इसके बराबर आ जाएगा। इसी तरह 1 प्लस ओमेगा की अगर वैल्यू चाहिए तो ओमेगा स्क्वायर को उधर ले जाओ, नेगेटिव हो जाएगा।
और अगर वन प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो ओमेगा को उधर ले जाओ, ठीक है। तो ये इससे हमने मजीद तीन बना दिए, ये बेसिक बात आप लोग कर लोगे। और आखिरी चीज वो ये है कि ओमेगा का जो क्यूब होता है वो वन के बराबर होता है और ओमेगा की पावर फोर जो है वो ओमेगा के बराबर होती है। बस इनको याद रख लो, ये आपके सवाल में काम आएंगी। ओमेगा क्यूब वन के बराबर होता है, ओमेगा फोर जो है वो ओमेगा के बराबर होगा। ओमेगा फोर ओमेगा के बराबर इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि ये ज्यादातर सवाल में आ रहा होता है, वरना अगर आपको यही याद है तो काम तो बन जाएगा ना। ओमेगा फोर कैसे निकालोगे? ओमेगा फोर निकालने का तरीका होगा ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब वन होता है तो ये सिंपल आंसर ओमेगा आ जाएगा इसका। तो असल तो आपको ओमेगा क्यूब ही याद रखना है, बाकी असल में ये आता बहुत ज्यादा है, दैट्स व्हाई मैंने ओमेगा फोर भी आप लोगों को बता दी है। तो असल जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये चीज थी, लेकिन डायरेक्ट बताता तो आप लोगों को समझ नहीं आती, तो पूरा मैंने आप लोगों को घुमा के जो टॉपिक था ना पूरा बता के एंड पे रिजल्ट बताया, ये आप लोगों के क्वेश्चन में काम आएगा। तो सवाल है तो पूछ लो, यहाँ पे ये सवाल है, आपको प्रूफ करना है कि जो पूरी लेफ्ट हैंड साइड है ये किसके बराबर है? नल मैट्रिक्स के बराबर है। तो प्रूफ करना कोई बड़ी बात नहीं है, इसको आसानी से हम प्रूफ कर सकते हैं, पर लेफ्ट हैंड साइड आपको पता होनी चाहिए कि लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पे क्या, लेफ्ट हैंड साइड में है कि आप इन दो मैट्रिक्स को ऐड करना है आपस में, और ये कर्ली ब्रैकेट लगाई है बताने के लिए कि अगर ये कर्ली ब्रैकेट ना होती तो कोई पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर देता, तो ऐसा नहीं करना हमने, हमने पहले इसको सॉल्व करना है, दोनों को आपस में ऐड करना है, जो रिजल्ट में मैट्रिक्स आएगी उसको आपने इससे मल्टीप्लाई करना है और प्रूफ करना है कि वो चीज नल मैट्रिक्स के बराबर है, ठीक है। अच्छा तो जरा प्रूफ करते हैं, सबसे पहले इन दोनों को ऐड करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड आप लोग अगर पेपर में लिखोगे ना तो पहले इस पूरी लेफ्ट हैंड साइड को कॉपी कर देना, फिर नेक्स्ट स्टेप में इसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करना। मेरे पास टाइम कम है, मैं डायरेक्ट इनको आपस में ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। वन को आप ओमेगा में ऐड कर दो, ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर में, ओमेगा स्क्वायर को वन में, और यही काम आप बाकी के लिए भी कर लो। ठीक है, और वाली मैट्रिक्स हम लिख लेते हैं, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और सिंप्लीफाई किस तरह करेंगे वही जो चीजें आपके सामने लिखी हुई हैं। वन प्लस ओमेगा किसके बराबर है? माइनस ओमेगा स्क्वायर के। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है? माइनस वन के। और ओमेगा स्क्वायर प्लस वन किसके बराबर है? माइनस ओमेगा के। तो जहां जहां पे वैल्यूज आ रही है वहां पिक पुट कर दो, और ये हो जाएगा माइनस वन, ये हो जाएगा माइनस ओमेगा, इसी तरह ये हो जाएगा माइनस वन माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस वन माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब आप क्या करो, अब जाहिर सी बात है मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे पॉसिबल है, इसका ऑर्डर है 3/3, इसका ऑर्डर है 3/1, तो देख लेना मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, जरा मल्टीप्लाई करते हैं, इस रॉ को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर को वन से करो माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस वन को ओमेगा से करो माइनस ओमेगा, और माइनस ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस ओमेगा क्यूब हो जाएगा। कोई और कॉलम तो नहीं है ना, इसका मतलब सेकंड रॉ पे आ जाओ, माइनस वन को वन से करो माइनस वन, माइनस ओमेगा को ओमेगा से करो माइनस ओमेगा स्क्वायर, और माइनस ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर से करो तो माइनस ओमेगा, फिर माइनस वन को वन से करो माइनस वन, माइनस ओमेगा को माइनस ओमेगा से करो माइनस ओमेगा स्क्वायर, और माइनस ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर से करो तो माइनस ओमेगा फोर, ठीक है। उसके बाद आप क्या करो, यहां पे वैल्यूज पुट कर दो किसकी, ओमेगा क्यूब वन होता है और ओमेगा फोर ओमेगा होता है, तो जहां जहां पे ओमेगा क्यूब आ रहा है जहां जहां पे ओमेगा फोर आ रहा है वैल्यूज पुट कर दो, तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, और ओमेगा क्यूब की जगह पे आप पुट कर दो वन, इसी तरीके से माइनस वन माइनस ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा फोर की जगह पुट कर देना माइनस ओमेगा, इसी तरीके से माइनस वन माइनस ओमेगा स्क्वायर अगेन यहां पे माइनस ओमेगा पुट कर देना। उसके बाद बस एक आखिरी स्टेप ले गए कि वो है कि आपने माइनस कॉमन लेना है, जो माइनस कॉमन लोगे क्या बचेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस वन, माइनस कॉमन लोगे वन प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, थर्ड रॉ से माइनस कॉमन लो वन प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, और ये बात आपने ऊपर मेंशन की हुई सब ना आप लोग पेपर में लिख लेना, जैसे इस स्टेप में आपने प्रॉपर्टीज लगाई थी ना सारी, तो आगे सेंस करके लिख देना कि सेंस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस वन होता है,
वन प्लस ओमेगा, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर मेंशन कर देना। इसी तरह इस स्टेप के बाद आपने यहाँ पे क्या दो प्रॉपर्टीज लगाई है, ओमेगा क्यूब और ओमेगा क्रोमेटिक, तो आगे सेंस करके मेंशन कर देना दोनों प्रॉपर्टीज को। फिर इसके बाद जो अगले स्टेप में प्रॉपर्टीज लगा रहा हूँ वो पहली वाली प्रॉपर्टी है कि तीनों का सम क्या होगा जीरो के बराबर। देखो इसका तीनों का सम जीरो, तीनों का सम जीरो, तीनों का सम जीरो, तो ये अल्टीमेटली क्या हो जाएंगे जीरो जीरो जीरो। और आगे सेंस करके लिख देना, ये सेंस के नुक्ते होते हैं, सेंस करके लिख देना कि वन प्लस ओमेगा स्क्वायर जीरो होता है, दैट्स व्हाई मैंने इन सब वैल्यूज को जीरो कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में आप लिखना इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगी, सवाल आपका प्रूव हो जाएगा।